नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं बोल बॉलीवुड। तो चलिए आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ में रिलीज होने वाली कुछ बड़ी फिल्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 अप्रैल को रिलीज हो रही फिल्म गुमराह के बारे में, जिसके लीड एक्टर हैं आदित्य रॉय कपूर, मृणाल ठाकुर और रोनीत रॉय। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दबंग और कपूर एंड सन्स के सेकेंड यूनिट डायरेक्टर फरदान केटकर ने। ये मूवी एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर होने वाली है। दूसरी बड़ी फिल्म ईद को 21 अप्रैल को आने वाली है किसी का भाई किसी की जान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है फरहाद सामजी ने, जिन्होंने बच्चन पांडे और हाउसफुल 4 जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि एक रोम कॉम फैमिली ड्रामा पे बेस्ड फिल्म है। और बात करें हम इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, तो इस फिल्म में सलमान खान के अलावा वेंकटेश, जगतपति बाबू, पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, सिद्धार्थ निगम और पलक तिवारी भी हैं। इसी दिन एक और एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी रिलीज हो रही है चेंगेज़, जिसे डायरेक्ट किया है राजेश गांगुली ने। और इस मूवी के लीड में हीरो का किरदार निभा रहे हैं बंगाली सुपरस्टार जी और सुष्मिता चटर्जी ने। ये फिल्म हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में रिलीज की जा रही है। आगे बात करेंगे 28 अप्रैल को रिलीज हो रही फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2, जिसे कि डायरेक्ट किया है मणि रत्नम ने, म्यूजिक दिया है AR रहमान ने और इस मूवी को शूट किया है रवि बर्मन ने। ये मूवी चोला एम्पायर पर बेस्ड है और इसके आगे की कहानी बताएगी। इस मूवी के स्टार कास्ट हैं विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्थी, ऐश्वर्या लक्ष्मी, प्रकाश राज, त्रिशा कृष्णन इत्यादि के अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। इस मूवी के हिंदी डायलॉग्स दिव्या प्रकाश दुबे ने लिखा है और स्क्रीन प्ले लिखा है मणि रत्नम ने। और आखिर में हम बात करेंगे आने वाली फिल्म बैड बॉय के बारे में, जिसको कि डायरेक्ट किया है अजब प्रेम की गजब कहानी के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने। इस फिल्म में लीड कैरेक्टर निभाया है नमासी चक्रवर्ती और अमरीन कुरैसी ने। तो आप बताएं आपको सबसे ज़्यादा किस मूवी का इंतज़ार है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।